बार कौन जीतेगा कौन हारेगा। 34 सीटों वाला 2014 का प्रदर्शन टीएमसी क्या दोहरा पाएगी या इस बार बीजेपी बाजी मार ले जाएगी जैसा कि 23 प्लस का वो दावा कर रही है, यही जानने के लिए हम पहुंच गए कोलकाता के सबसे बड़े बाजार न्यू मार्केट में। वहां पर लोगों के बीच जाकर पूछा इस बार कौन जीत रहा है पश्चिम बंगाल। मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पिछले 8 सालों में ममता बनर्जी के सामने इतनी बड़ी चुनौती किसी भी पार्टी ने पेश नहीं की थी जितनी बड़ी बीजेपी इस बार कर रही है। लेकिन कोलकाता के लोग क्या सोचते हैं, न्यू मार्केट में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये वो इलाका है जहां पर भारी तादाद में लोग खरीदारी के लिए अलग अलग हिस्सों से पहुंचते हैं। आइए लोगों से ही बातचीत करते हैं। बताइए कौन जीत रहा है पश्चिम बंगाल? जीतने का तो मैं बता नहीं सकता हूँ, पर आई विल गिव वोट टू मोदी। आप मोदी जी को वोट करेंगे? पश्चिम बंगाल से? पश्चिम बंगाल से। आप बताइए कैसा है राजनीतिक माहौल यहाँ का? अच्छा, मजा आ रहा है राजनीति में? ममता दीदी बहुत कुछ की हम लोग के लिए। ममता दीदी ने बहुत काम किया है, तो बड़े काम उनके बताइए। बड़े काम में बहुत हॉकर लोगों को सपोर्ट करना, ममता दीदी बहुत सपोर्ट, गरीबों का जनता। ममता दीदी आगे आइए, अपनी बात करने के लिए माइक के सामने आइए, पीछे से नहीं। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि ममता दीदी ने बहुत काम? ममता दीदी बहुत अच्छा काम किया, गरीबों को बहुत देखे हैं और गरीबों का। मोदी तो सिर्फ बड़े आदमी के देखते, गरीबों को तो मारते हैं। वो तो गरीब के लिए नहीं है, ममता बनर्जी गरीब के लिए है। दीदी को जाएगा वोट और उसके अलावा किसी को नहीं जाएगा। बीजेपी को? किसी को नहीं, सिर्फ दीदी को। ओनली दीदी को। मोदी कभी तो आएगा नहीं लाइफ में यहाँ पर। 2019 बीजेपी फिनिश, 2019 बीजेपी फिनिश। कैसे कैसे फिनिश? ममता दीदी, ओनली ममता दीदी, आई इज बेस्ट। ममता दीदी, दीदी आएगी, मोदी जाएगा। और मोदी जी दीदी से परेशान है, जीतेगी इस बार दीदी। देखिए ये युवा है, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ममता बनर्जी से परेशान है और इस बार मोदी जी की हार होगी। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि ममता दीदी जीतेगी। ममता बनर्जी काम किया है, ममता दीदी जीतेगी। ममता बनर्जी काम किया है उन्होंने पश्चिम बंगाल? बहुत तो काम किया ही है। अच्छा काम किया है। और मोदी जी से जो लड़ाई चल रही है उनकी? देखिए वो तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट आप ये छोले भटूरे खा रहे हैं, टेस्ट कैसा है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है। तो ये जो नमकीन टेस्ट है, ये किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाने जा रहा है? वो तो मैं नहीं बोलता। बीच का रास्ता निकालेंगे। सर कैसा माहौल है पॉलिटिक्स? इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। टीएमसी गोइंग टू विन डेफिनेटली। टीएमसी और बीजेपी 23 प्लस का नारा दे रही है? नो चांस, एब्सोल्युटली नो। इन वेस्ट बंगाल बीजेपी डजंट हैव एनी चांस। ममता दीदी ने अच्छा काम किया, ऑब्वियसली ही इज डूइंग वेरी गुड फॉर द लास्ट 8 इयर्स। वन एंड ओनली अच्छा का सवाल है इसलिए मोदी जी। और ममता बनर्जी जो बड़ी चुनौती दे रही है, वो कह रही है कि उधर ही नहीं, वो लीडर भी ठीक है ऐसे को बात, लेकिन दिल्ली के लिए मोदी जी ही बेटर है। दिल्ली के लिए मोदी जी नेता अच्छा कौन है देश के लिए? बीजेपी। बीजेपी अच्छी है क्यों? मुझे मोदी का काम बहुत अच्छा है, जो लड़कियों के लिए सेफ्टी है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है आजकल। यहाँ पे तो महिला ही मुख्यमंत्री है। हाँ, यहाँ पे तो महिला ही का मुझे काम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जीत कौन रहा है? बीजेपी जीतनी चाहिए। बीजेपी जीतनी चाहिए क्यों? अच्छा काम कर रही है। आप लोग कोलकाता के वोटर? नहीं, मैं सूरत से आई हूँ। आप सूरत से यहाँ पर आई हैं, गुजराती हैं, इसलिए मोदी जी जीता? गुजराती नहीं हूँ, बट मोदी जी ने अच्छा काम किया है, वैसे बीजेपी ही आनी चाहिए। वोटर कहाँ की है? सूरत के। सूरत की है। आप भी सूरत से ही? नहीं, मैं कलकत्ता से हूँ। आप कोलकाता से हैं, किसके पक्ष में माहौल है? मेरा पक्ष जो है वो बीजेपी की तरफ है, मगर क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने नेशनलिज्म को लेके, करप्शन को लेके बहुत अच्छा काम किया। ममता दीदी बड़ी चुनौती बन रही है बीजेपी के लिए? नहीं, नहीं बन रही है मेरे हिसाब। आपको भी लग रहा है नहीं बन रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे मोदी जी से एक सवाल पूछना है कि पिछले चुनाव में उसने उन्होंने जो वादे किए थे वो अब क्यों नहीं दोहरा रहे, वो क्यों नहीं अब आ रहे, वो सब जो जो वो बोल रहे थे वो अब क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा नेता कौन सा है, ममता दीदी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अच्छे नेता है।